हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानी मेरा नाम उजैर यूनस है और आज की गुफ्तु भी उर्दू में होगी मौजू ऐसा है जिसपे मैं समझता हूँ कि उर्दू में गुफ्तु की जाए तो बेहतर है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें समझ सकें कि बलोचिस्तान में इस वक्त क्या हालात है आप टी वी पे सुनते होंगे सोशल मीडिया पे सुनते होंगे लेकिन ओवरऑल एक तरह से मेरे एथलीस्ट जितने दोस्त हैं जानने वाले हैं जो पाकिस्तान में हैं पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं वो एक कर्सरी लेवल पे हाई लेवल पे जानते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आ, कभी कभार कोई हादसा हो जाता है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ता है लेकिन फिर पीपल गो बैक टू नॉर्मल तो आज मैंने सोचा कि एक डीप टाइप ली जाए बलोचिस्तान के इशूज के ऊपर और मेरे साथ मौजूद हैं इस बारे में गुफ्तगु करने के लिए रफी काकर डॉन के लिए कॉलम लिखते हैं बलोचिस्तान इश्यूज पे लिखते रहते हैं बात करते रहते हैं uh, और मैं पर्सनली जो है उनकी राइटिंग्स को फॉलो करता हूँ क्योंकि जब मुझे समझना होता है कि बलोचिस्तान में लेटेस्ट सूरत हाल क्या है कोटा में बेस्ड हैं तो एक लोकल परस्पेक्टिव भी है uh, तो रफी वेलकम टू पाकिस्तानी और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त निकाला uh, बहुत शुक्रिया उजैर साहब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मी इट्स इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर टू बी तो रफीब शुरू करते हैं आपके कॉलम से जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैं वो पढ़ रहा था जब आपने लिखा तो एक इंटरेस्टिंग चीज आपने उसमें डिस्क्राइब की कि बलूचिस्तान में एक नॉर्थ नॉर्थ बलूचिस्तान में एक अलग इंसर्जेंसी और रिस्क ए सिक्योरिटी सदर्न एरियाज में एक अलग तरह से सिचुएशन है तो पहले तो आप ये समझाएं कि ये क्या सिचुएशन है क्या इंसर्जेंसी की या वायलेंस की नॉर्थ और साउथ के अंदर और इसके लिंक्स या उसकी जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं वो क्या है जी बहुत शुक्रिया उजैर साहब बलूचिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट लैंडस्केप है वो ओवर द ईयर काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन चुका है नॉर्थ में हमारे पास जिस जिधर कोयटा और कोटा के सराउंडिंग एरियाज में इधर मेनली एक रिलीजस और सेक्टेरियन इंसर्जेंसी या वॉयेंस यहाँ पे इन लाइन्स पे ज्यादा होती है जिसमें बेसिकली टी टी पी और आई एस या दाइश के जो स्प्लिंटर सेल्स हैं मुख्तलिफ नामों से वो पिछले दस पंद्रह सालों में वो इधर अटैक अटैक्स करते रहे हैं और उनका जो सपोर्ट बेस है वो या जो उनकी का नेटवर्क्स है उनकी जो वो तकरीबन नॉर्थ में ये कोटा और फिर कोयटा से नॉर्थ और फिर ये सिंध के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है हम इसको अपना नसीराबाद डिवीज़न कहते हैं इन एरियाज तक उनकी सपोर्ट है तो ये एक किस्म की वॉयलेंस है इसकी पॉपुलर सपोर्ट इतनी नहीं है ये कोई प्रॉपर इंसर्जेंसी है सच नहीं है ये बिल्कुल एक टीटीपी स्टाइल जो सुसाइड अटैक्स होते हैं या ब्लास्ट होते हैं और रिसेंटली दे आर मोर टारगेटेड टूवर्ड तो जो स्टेट के सिक्योरिटी पर्सनल है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं उनपे ये ज्यादा होते हैं लेकिन आज से पाँच छह साल पहले जो सर आपको याद होगा उसमें अवाम पे भी सिविल सोसाइटी पे भी ये अटैक्स बहुत बड़ी तादाद में होते थे हजारा कम्युनिटी जो है वो इसका स्पेशल एक टारगेट रही है इस तरह के वॉयलेंस का तो ये सेक्टेरियन और रिलीजियस जो आप कह लें सुनी देवबंदी मिलिटेंट्स है ये उनका एक गठजोड़ है बट इसकी कोई सच आप ये नहीं कह सकते कि कोई पॉपुलर इनकी कोई ऐसी सपोर्ट है इनके खुफिया अपने नेटवर्क जरूर है अच्छा ये नॉर्थ में और नॉर्थ नॉर्थ में और फिर ईस्ट में जो आ, सिंध के साथ बॉर्डर है इधर कंसेंट्रेटेड है इसके अलावा जो मेन जो बड़ा एक और कॉन्फ्लिक्ट इंसर्जेंसी बलोचिस्तान में है वो जो बलोच एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें बलो, बलोच बलोच इंसर्जेंट्स लड़ रहे हैं पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आर्म फोर्सेस के साथ इसका ये भी स्प्रेड है लेकिन ये मेनली अब कंसंट्रेटेड है साउथ में मकरान रीजन में है लेकिन इसके भी आपको जो हमारा जिसको हम कहते ईस्ट में हमारा ईस्ट जो है बलूचिस्तान का ये पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर है जिनको हम हमारे पुराने कबायरी इलाके भी कहते हैं मरी बुखटी जो ट्राइबल एरियाज है इधर भी आ, लेकिन वहां पे अब ओवर द ईयर इंटेंसिटी कम हुई है और अब ये ग्रेजुअली शिफ्ट की है टूवर्ड्स तो मकरान रीजन तो ये कॉन्फ्लिक्ट लैंडस्केप है जिसमें रिलीजियस सेक्टेरियन और एथनिक इंसर्जेंसीज है और रियासत इनके साथ हर फ्रंट पे जाहिर बात है रियासत के साथ ही इनकी बुनियादी लड़ाई है इनके जहाँ तक ड्राइवर्स का भी आपने सवाल पूछा है Uh, इनके uh, मेरे ख्याल से ये का नेचर जरा अलग है uh, अलग ऐसे है कि जो रिलीजियस uh, और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट उसमें प्राइमरीली बहुत बड़ा हाथ है मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी है सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफगान पॉलिसी उसने हिस्टोरिकली uh, कंट्रीब्यूट किया है इमरजेंस ऑफ टीटीपी को यहाँ पे बिकॉज अफगान पॉलिसी का एक की uh, पिलर ये था कि द स्टेट डिड नॉट हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर नॉन फॉर वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर मिलिटेंट ग्रुप्स और एज अ रिजल्ट उसमें फिर जो ये गुड और बैड तालिबान की पॉलिसी थी रियासत की उसमें ये uh, जिनको सो कॉल्ड हम बैड तालिबान कहते हैं वो पनपते रहे और चूंकि इनका नजरिया एक है तकरीबन सिमिलर सेम इलाकों से आते हैं तो उसमें फिर डिस्टिंग्विश करना तकरीबन नामुमकिन होता है यानी अगर स्टेट चाहे भी कि स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करे गुड और बैड की डिस्टिंगशन को इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू टू डू दिस अच्छा और यहाँ कथा कलामी माफ़ एक एक, एक आ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थॉट ये थी कि ये जो बात आपने कही मेरे साथ कुछ हफ्तों पहले डॉक्टर यार मीर मौजूद थे तो उनसे मैं आ, इसी बारे में अफगानिस्तान और उसकी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा था तो उन्होंने भी तकरीबन यही बात कही कि क्योंकि तालिबान आ, की एक आइडियोलॉजी और टी उसकी बैत लेती है तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उसको गुड तालिबान बैड तालिबान में डिवाइड कैसे करें क्योंकि स्पिल ओवर अल्टीमेटली पाकिस्तान की तरफ आता है और क्योंकि अब अफगानिस्तान में सेफ एवं हो गए हैं अगर लोगों को मालूम या याद नहीं है कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स भी की कुनर प्रोविंस के अंदर जहाँ पचास से जायद लोग मारे गए तो ये स्पिल ओवर हमें नज़र आ रहा है बिलखसूस अगस्त के बाद दो के बाद जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज पर अटैक्स का टेम्पो बढ़ गया है जी इसमें देखिये मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऐसी हैरत वाली बात नहीं है हम जैसे जो अदना तलेब इलम थे हम तो पिछले आठ साल से ये कहते रहे और लिखते रहे कि देखिये ये गुड एंड बैड तालिबान की जो पॉलिसी है ये गलत है ये एक फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग और अजम्पन पे बेस्ड है और जिस दिन आपके ये गुड तालिबान पावर में आते हैं अकोमोडेट होते हैं अफगानिस्तान पे दे विल बी द फर्स्ट पीपल टू सपोर्ट द सो कॉल्ड बैड तालिबान और मेरे ख्याल से उसका नतीजे हम देख रहे हैं कि हम गुड तालिबान को कन्विंस करते हैं कि आप बैड तालिबान को पना ना दे गुड तालिबान ने हमें कन्विंस कर लिया कि आप इनके साथ मुजात करें सो so, सो so, वो दे कैन नॉट अबेंडन देम उसकी वजह यह है कि इनके क्लोज टाइज थे खास तौर पर हकानी नेटवर्क के साथ फाटा में ऐसा नहीं था कि ये कोई अलग अलग एंटिटीज थी ये सो मच सो कि ये सुसाइड एक्सचेंज करते थे कि जी अगर हकानी नेटवर्क के पास शॉर्टेज है तो टीटीपी उनको सप्लाई करती थी सो ये आई थिंक इट्स हाईली अनलाइकली कि हकानी नेटवर्क अपने इन एसेट्स को वो इनके साथ अपने ताल्लुक मुकम्मल तौर पर खत्म करे और वो पिछले एक साल में हमें नजर आया है उल्टा मेरे ख्याल से अब ये हो रहा है कि जिस तरह हमने रिवायती तौर पर हमसाय मुल्कों में प्रोक्सीज को स्पॉन्सर करने की एक पॉलिसी रखी थी आई थिंक तालिबान अफगान तालिबान के पास ये अब उनके हाथ में एक लेवरेज आ गया है पाकिस्तान पे कि ये वो और वो इस लेवरेज को मुकम्मल तौर पर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे तो ये तो उसकी एक वजह टी टी पी इसी तरह सेक्टेरियन ग्रुप्स है उसमें भी प्राइमरली अगें स्टेट पॉलिसी का इस हद तक रोल है के आर माजी में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वो रहा है कि जो एंटी ईरान सुनी मिलिटेंट ग्रुप्स है ऑपरेटिंग अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ बलोचिस्तान, द स्टेट हैड हिस्टोरिकली अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स दैम तो जिसमें पहले जैशुल जैशुल्ला था फिर ये जैशुल आदल इस तरह की तंजीमें बनती रही है तो वो जो ये स्पेस है कि जिसमें स्टेट की स्ट्रेटिजिक एम्बिक्विटी हो टू मिलिटेंट एक्टर्स उसका फायदा जो है इन्होंने उठाया है और वो डेलिबरेट एक स्टेट कुछ चीज़ों को होने देती है उसमें ऐसा माहौल और फिर बाकी सोशल कंडीशन तो आपको पता है इन अ प्लेस लाइक बलोचिस्तान जहाँ पे गुरबत है डिप्रिवेशन है मदरसा नेटवर्क बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है तो फिर वहाँ पे इनका को कोई सपोर्टर मिलने वाली जो बात है वो कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है अब मैं जो साउथ में जो बलोच एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैं इसलिए अलग समझता हूँ कि वो प्राइमरली बेस्ड है ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस एंड रिजेंटमेंट और एक लेजिटिमेट ग्रीवेंस और रिजेंटमेंट है और जिसमें बेसिकली द बलोच पीपल थिंक के दे हैव हैड अ रॉड डील एट द हैंड्स ऑफ द स्टेट आपको उसके सिम्टम्स तो सारे नजर आते हैं कि जी सिम्टम्स ये है कि बत है बाकी पाकिस्तान और बलोचिस्तान आ, में हर सोशो इकनॉमिक इंडिकेटर में बहुत बड़ा फर्क है अच्छा ताकत का इस्तेमाल रियासत ने तारीखी तौर पर बार बार किया है कसरत से किया है इनफोर्स डिसपियरेंसेज एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स पोलिटिकल इंजीनियरिंग रियासत ने मुख्तलफ अथॉरिटेरियन मेजर्स इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे डिसेंट को डील करने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स को एक्सप्लॉयट किया है और यहाँ के लोगों को उसका बेनिफिशरी बनाए बगैर ये वो सिम्टम्स है मैं समझता हूँ अगर इस पे आप मुझे टाइम दे असल जो मेरी नज़र में बलोच कॉन्फ्लिक्ट के जो सिस्टेमिक ड्राइवर्स है रादर देन गोइंग इन टू द अप्रॉक्सीमेट कॉजेज मैं सिस्टेमिक ड्राइवर्स का अगर एक क्विक एनालिसिस करूँ तो मैं समझता हूँ तीन बहुत बड़े उसमें ड्राइवर अगेन uh, ये बलोच कॉन्फ्लिक्ट एथनिक नेचर का कॉन्फ्लिक्ट है या आप इसकी बात कर रहे हैं जी 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 बिल्कुल तो उसमें तीन बड़े ड्राइवर्स हैं उसके पहला है मिलिट्री लेड अथॉरिटेरियनिज्म जब से पाकिस्तान बना है ये बदकिस्मती रही है कि बलूचिस्तान पॉलिसी ऑफ द स्टेट हैज ऑलमोस्ट ऑलवेज बीन डिफाइंड बाय द मिलिट्री एंड बाय द ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री ओलिगार्की अर्ली डेज में Uh, जब पाकिस्तान बना तो सिविल ब्योक्रेसी पाकिस्तानी स्टेट की पॉलिसी डिफाइन कर रही थी कलोनियल पॉलिसी की जो कंटिन्यूएशन थी एक ए जी टू द गवर्नर जनरल होता था वो यहाँ का एक तरह से वाइसराय की तरह बिहेव करता था अच्छा uh, फिर मिलिट्री uh, डिक्टेटरशिप जब भी आई और सिविलियन रजीम्स में और दिस इज वेयर बलोचिस्तान इज डिफरेंट फ्रॉम अदर दिक द नेचर ऑफ द एथनिक टेंशन इन बलोचिस्तान इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वो क्या है कि इवन डेमोक्रेटिक पीरियड्स में भी बलोचिस्तान में जो बलोचिस्तान की पॉलिसी है पाकिस्तानी रियासत की वो मिलिट्री ने ही डिफाइन किया वो की है वो क्यों की उस पर मैं आगे आता हूँ तो मिलिट्री लेड अथॉरिटेरियनिज्म का नतीजा ये जो मुख्तलिफ मसाइल है अब इसमें सवाल ये उठता है कि मिलिट्री क्या मिलट्री की नीयत ठीक नहीं है वो क्यों ऐसा कर रही है उसमें मेरी नाकस राय में ये नीयत या इनकी बात नहीं होती बुनियादी प्रॉब्लम मिलिट्री की ट्रेनिंग और अप्रोच की है मिलिट्री का जो तारीखी तौर पर बलोचिस्तान की तरफ अप्रोच रहा है चूंकि उनकी सियासी अख्तलाफात को मैनेज करने की डिफरेंसेस को को डिसेंट मैनेज करने की ट्रेनिंग नहीं होती है सो जब आप उनको ये इख्तियार दे देते ये इनविटेबल है इस कॉन्फ्लिक्ट का होना और वो ऐसे है क्योंकि जो मिलिट्री माइंड सेट है वो ब्लैक एंड वाइट में चीजों को देखता है और वो एक पे बेस्ड है व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान वो समझते हैं यहाँ के जो रेलेटिवली इंडिपेंडेंट या आजाद असर्टिव पोलिटिकल लीडर्स है इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ये कोई किसी न किसी फॉरन मुल्क के लिए काम कर रहे हैं चूंकि ये हकूक के लिए बात कर रहे हैं और ये बलोच नेशनलिज्म बल्लोच कौमी हकूक़ की बात करें तो ये पाकिस्तान के भी खिलाफ है नज़रिया पाकिस्तान के भी खिलाफ है और अगर ये ऐसा है तो ये खाम अखाब बाहर के किसी मुल्क से मिले हुए हैं

पाकिस्तान प्रॉपर के जो इंटेलिजेंसिया है एनालिस्ट है उनको हमेशा हम गिला भी करते रहते हैं कि आप इन बारीकियों को आ, समझते नहीं है वो ये है कि ओवर द इयर्स मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने यहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू एक आर्टिफिशियल लीडर्स की पूरी एक खेप तैयार कर है और उसका मसला ये, उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि यहाँ पे लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत सीरियस इशू है एंड बाय डिफॉल्ट ऑफ़ द स्टेट एक बड़ा इशू रहा है uh, अब अभी आप देखिए ना ये जो पिछले पांच छह साल पाकिस्तान प्रॉपर में क्राइसिस चल रहा है तो हम तो कभी कभी अम्यूज हो के उनको कहते हैं कि चले आपको तो अभी पोलिटिकल इंजीनियरिंग की समझ आई है तो हम तो ये सत्तर साल से भुगत रहे और हम आपको जब कहते हैं आप हमसे गिला करते हैं कि जी आपके लीडर आपके लीडर उसमें हम आपको यही तो समझा रहे हैं कि भाई ये जो 20-30 इलेक्टेबल्स का टोला है बलोचिस्तान से जिन्होंने हर पांच दस साल बाद सियासी वफादारियां बदली है और ये सियासी वफादारियां जब उन्होंने बदली है याद रखिए हमेशा ये किन पार्टीज में गए ये काफलाम मीन पीपल्स पार्टी पी एम एल क्यू पी एम एल एन एंड दे ऑलमोस्ट ऑलवेज डू दिसबलिशमेंट ये बात जो आपने आ, आपने कही आ, ए, मैं हमेशा आ, अपने अगेन जो मेरे पाकिस्तान प्रॉपर आप टू यूज़ योर टर्म के जो दोस्त हैं उनसे कहता हूँ कि हम कराची में जब बड़े होते थे तो सर्दियों में कहते थे कोटा की हवा चल रही है तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि सियासी अगर आपने दर्जा हरारत महसूस करना है तो कोयटा की हवा का रुख देख लें जरा अगर कोयटा के अंदर हेरा फेरी शुरू हो गई है तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में भी हेरा फेरी शुरू होने वाली, होने है।, वाली है और ये बात हमने पिछले पाँच छह सालों में देखी है कि जब वहां माहौल बदलता है तो फिर एवेंचुअली इस्लामाबाद में भी उसके असर नजर आने लग जाते हैं थोड़े महीनों बाद जी जी बिल्कुल ये और उसकी वजह ये ये जो आपको इस्लामाबाद लाहौर वाले के भी सवाल पूछते हुए नजर आते हैं कि जी सरदार बलोचिस्तान के ऐसे वैसे उन्होंने ये सब किया हुआ है तो मैं आज के इसका फायदा उठाते हुए क्योंकि तकरीबन दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आई आई गेट गो आउट ऑफ तो आज मैं उसको भी जरा क्लैरिफाई करता चलो और ये इसी मिलिट्री लेड अथॉरिटेरियनिज्म का पार्ट है पहले ये क्लैरिटी जरूरी है कि जो इंटायर नॉर्दर्न बलोचिस्तान है तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं कोईटा एंड नॉर्थ ऑफ कोयटा इधर कोई सरदारी निजाम नहीं है तो जो नॉर्थ इज बलोचिनेटली पश्तून बेल्ट ऑफ बलोचिस्तान यहां कोई सरदारी निजाम नहीं है नंबर टू जो सदरन बलोचिस्तान है जिसको हम मकरान रीजन सारा यहाँ पे भी सरदारी निजाम नहीं है सरदारी निजाम डोमिनेंट उतर है जो हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो कलाथ स्टेट होता था जो कोर था कलात स्टेट का चूंकि जो संडेमन या कॉलोनियल पॉलिसी थी उसने सरदारी निजाम को न सिर्फ करप्ट किया बल्कि उसको किया किया मजबूत किया। तो वो कलात की रियासत के जो कोर पार्ट थे उन एरियाज में सरदारी निजाम है तो पहले तो अगर इसको मैं रफ परसेंटेज टर्म्स में कहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 40 टू 50 परसेंट ऑफ बलोचिस्तान में सरदारी निजाम नहीं है और ये एक फेलियर रहा है हमारी अपनी एजुकेशन पॉलिसी का कि मैं अपनी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल की तारीख पाकिस्तान स्टडीज जब याद है तो यही बताया जाता था कि वन रीज़न कि पाकिस्तान बैकवर्ड है वो फ्यूडलिज्म और सरदारी निज़ाम है फ्यूडलिज्म सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर और सरदारी निज़ाम बलोचिस्तान के अंदर लेकिन ये डिस्टिकशन कभी बताई दी जाती थी कि मकरान की अप्रोच नॉर्थ बलोचिस्तान की अप्रोच और सेंट्रल या जो कोर कलात का एरिया था उसकी अप्रोच हमेशा से तारीखी तौर पे डिफरेंट रही है और वो आपको कल्चर में भी नजर आती है और क्योंकि अगर आप कराची में अगर रहते हैं तो आप किसी लियारी वाले शख्स से इंटरक्ट करें तो उसकी बात करने का तरीका उसकी इंडिविजुअलिज्म अप्रोच इज वेरी डिफरेंट देन जो हमें बताया जाता है किताबों के अंदर के बलोचिस्तान के लोग ऐसे हैं या वैसे हैं जी बिल्कुल तो तो ये तो पहले ये डिस्टिंगशन जरूरी है अब दूसरी जो बाकी फिफ्टी सिक्सटी परसेंट बलोचिस्तान में सरदारी निज़ाम है बिल्कुल है दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम लेकिन वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कैसे है ये समझना जरूरी है ये मैंने जिस तरह का तीस चालीस सरदारों का एक टोला है इलेक्टेबल्स का जो हमेशा से रियासत का पैटर्नेज इंजॉय करते रहे सो so ये जिधर सरदारी निजाम सरवाइव कर गया है वो वो इसलिए सरवाइव कर गया है बिकॉज ऑफ द स्टेट पैटर्नेज और बलूचिस्तान 1970 में सूबा बना है उस 70 से लेके अब तक मेरे पास तो शायद वो एक्चुअल डेटा भी है जिसमें मैंने नंबर ऑफ मंथ्स और डेज कैलकुलेट की कि कि किस किसने रूल किया और वो कौन थे तो आपको मैं ये बता सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंटली कि 1970 से लेके आज तक ये जो 50 बावन साल बनते हैं इसमें 90 परसेंट टाइम्स तो इन लोगों ने रूल किया है और ये हमेशा इनको हम या यहाँ का एक बंदा रियासत का नुमाइंदा समझता है ये रियासत के नक्शे कदम पे चलते इनका एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होता है रियासत के साथ कि आप सख्त लाइन ना लें ये राइट्स ओनरशिप और आ, कुदरती और कौमी वसायल पे हकूक के इशूज ना उठाए और हम आपको जो है सपोर्ट करते रहेंगे तो ये लोग जिम्मेदार हैं लेकिन इनकी जिम्मेदारी का ये एक स्पेस में मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा थे उन्होंने ये बात की तो मैंने फिर उनसे सवाल पूछा कि बिल्कुल फिर मैंने सवाल ये पूछा कि अब 2016 में जब नवाब सनाउला जैरी के खिलाफ अदम एतम था बलोचिस्तान में तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है बलोचिस्तान में नो कॉन्फिडेंस वोट सर्वाइव करने के लिए तैंतीस वोट चाहिए होते हैं सो तैंतीस में से पी एल के इक्कीस अपने मेंबर थे असेंबली में जो हमारी दो छोटी नेशनलिस्ट पार्टीज थी नेशनल पार्टी और पुश्तूफा मैप इनके मिला के पच्चीस थे अब सूरत हाल देख जरा इनको पच्चीस अलाइस के वोट है इक्कीस अपने तो बड़े इजिली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट कर देना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर सके क्यों नेशनल पार्टी और पी के मैप अपने 25 में से 24 बंदू को इंटैक्ट रख पाई और उन्होंने इनको कहा कि भाई आप 21 में से सौ सिर्फ नो इंटैक्ट रखें ये नो कॉन्फिडेंस हम आपको डिफीट करवा लेंगे मुस्लिम लीग नून पावर में है डिस्पाइट ये वो नौ बंदू को नहीं बचा सकी जबकि नेशनल पार्टी पी के मैब जैसी छोटी जमातें पच्चीस में से चौबीस लोग डिस्पाइट मैसिव जो स्टेट के मुख्त इधारे प्रेशर डाल रहे थे तो उसके बावजूद उससे मैंने उनको बताया कि इसलिए आप नहीं आ, बचा पाए कि क्योंकि ये वो लोटे हैं जो हर दस साल बाद पार्टी बदलते हैं आप फिर भी उनको ले लेते हैं तो फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि इनका गिला आपका मुझसे या हमसे बनता है या हम आपसे करें कि भाई यू अकोमोडेट दिस पीपल यू यू प्रोवाइड देम पट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट और फिर जब ऐसा मौका आता है वो आपको डिच करते हैं या यही लोग जब आपके साथ पावर शेयरिंग में आते हैं और वो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आप हमें कहते हैं कि आपके लीडर हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ये uh, इनको आप पेट्रनेज देते हैं और आप मुसलत करते हैं हम पे आप 2016 की बात कर रहे हैं मैं तो अभी हम मई 2022 में तो अपने इंसाफी और नून लीगी दोस्तों को यही बात कह रहा हूं कि अगर आपने अंदाजा लगाना है कि हवाओं का रुख किस तरफ चल रहा है पहले तो आप कोटा पर नजर रखें और दूसरी नजर रखें कि साउथ पंजाब का जो टोला है वो क्या कह रहा है अभी वो खामोश है और वो खामोशी यही बात बता रहा है कि डिसीजन हुई नहीं है जब वो साउथ पंजाब का टोला एक तरफ देखेगा या दूसरी तरफ देखेगा तो बड़ा क्लियरली मालूम हो जाएगा कि किसके पास कितनी सपोर्ट है जी बिल्कुल ऐसा ही है तो इससे इस मिसाल से मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग ने जो बलोचिस्तान में नुकसान किया है और तारीखी तौर पर जो इसने एक मसनू क़ियादत पैदा की है उसका पाकिस्तान प्रॉपर के अच्छे भले वेल मीनिंग एनालिस्ट को भी अंदाजा नहीं होता और वो फिर जब ऐसे किसी लीडर का गिला हमसे करते हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई आपको अभी तक ये नहीं पता कि इनमें से कौन कहा से आया है कौन के रास्ते से आया है तो ये भी उस अथॉरिटेरियन स्टेट की जो अथॉरिटेरियन अप्रोच टूवर्ड्स पॉलिटिक्स इन बलोचिस्तान है ये उसका एक प्रोडक्ट है उसका एक नतीजा है तो ये अथॉरिटेरियन अप्रोच एक मैंने आपको ड्राइवर बताया सिस्टम बाकी मुझे लगता है उनके आउटकम्स है या उसके प्रोडक्ट्स है दूसरा जो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का बलोच कॉन्फ्लिक्ट का जो मैं समझता हूँ ड्राइवर है सिस्टमिक ड्राइवर वो है पाकिस्तान का फेडरल डिजाइन जो फेडरल मॉडल है पाकिस्तान का उसके फिर दो एस्पेक्ट्स एक सेंट्रलाइज्ड फेडरल मॉडल है वो सेंट्रलाइज रहा है प्री एटीन अमेंडमेंट पीरियड में दूसरा वो मेजोरिटेरियन है सेंट्रलाइज पे मैं इतनी बात नहीं करूंगा क्योंकि अठारहवीं तरमीम ने एक तरह से उस चीज को उस मसले को सिग्निफिकेंटली काफी हद तक एड्रेस किया है और लेकिन जो कंटिन्यूड मिलिट्री डोमिनेंस है इसने अंडरमाइन किया प्रोविंशियल इटोनोमी को क्योंकि डिजोरे पावर तो आ गया है बट द डिफेक्ट पावर प्लेयर्स वही है जो अमेंडमेंट से पहले एज रिजल्ट जो डेवोल्यूशन का या डिसेंट्रलाइजेशन डाइवर्स एथनिकली डाइवर्स कंट्रीज में यूज होता है एज अ टूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सो so, बलोचिस्तान में उसका इस तरह से इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो उसकी एक वजह यह है कि जो डिफेक्ट पावर प्लेयर्स हैं वो फ्री एटीन अमेंडमेंट वाली पोजिशन में है और इसलिए जो प्रोविंशियल अटोनमी है उसका जो आवाम एक कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टेसिफाइंग इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं है दिस इज नंबर नंबर टू और जिस पे मैं बात करूंगा गेम मैं समझता हूँ मेन स्ट्रीम एनालिस्ट एंड इंटेलिजेंसी ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर इज रेलेटिवली ऑब्लीवियस टू दिस साइड वो है पाकिस्तान का मेजोरिटेरियन फेडरल डिजाइन मैं खुद एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को जो समझता हूँ मेरी अप्रोच एक पॉलिटिकल इकोनॉमी वाली अप्रोच होती है विच फॉल्स विद इन द ब्रॉडर कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स लिटरेचर तो मैं उस लेंस के तहत जब एनालाइज करता हूँ मुझे लगता है देखे जितने ये की एक्टर्स है दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द इंसेंटिव एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफर्ड बाई द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि द फेडरल डिजाइन ऑफ पाकिस्तान ऑफर्स नो और लिटल इंसेंटिव टू एनी पार्टी दैट टू कम इन टू पावर एट द फेडरल लेवल टू इन्वेस्ट इन बलोचिस्तान और केयर अबाउट बलोचिस्तान जो ये मेजोरिटेरियन फेडरल डिजाइन है रिगार्डलेस के पार्टी का लीडर सिंधी है पंजाबी है पश्तून है दैट डज नॉट मैटर चूंकि उस जो भी पार्टी फेडरल लेवल पे जिसका पावर में आने का चांस हो ये मौजूदा फेडरल निजाम उसको जीरो इंसेंटिव देता है कि आप बलोचिस्तान की फिक्र कह रहे हो उसकी वजह क्या है कौमी असेंबली की टोटल सीटों में हमारे सत्रह सीटें सीटें में चूंकि यहाँ पे नंबर वन बहुत एथनिक डाइवर्सिटी है नॉर्थ में पश्तून है साउथ में बलोच है विद इन बलोच रीजनल ट्राइबल डिविजन है हिस्टोरिकली आज तक एक भी सियासी जमात बलोचि की इन uh, सत्रह में से पांच या छह से ज्यादा नहीं जीत सकी इट्स अ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी नाउ इफ आई एम द लीडर ऑफ पी एम एल एन इफ आई एम द लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी इफ आई एम द लीडर ऑफ पी टी आई वेन आई लोकेट मैप मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है अगर मैं एक दफा वजीम बनना हूँ दोबारा वजीरजम बनना दोबारा वजी अजम बनने के लिए इलेक्टोरल मैप ऑफ पाकिस्तान परसेंट ऑफ टेरिटरी, अगर इसको मैं जन्नत भी बना दू तो मैक्सिमम पोलिटिकल रिटर्न छः से आठ सीटें होंगी वो भी बेस्ट के सीनैरियो है अब मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कोई बेवकूफ होगा सियासतदान या फेडरल पार्टी फेडरल तो मैं नहीं कहता इनको इनको मैं कहता हूं स्टेट वाइड पार्टी फेडरल नहीं है ये स्टेट वाइड पार्टी कोई बलोचिस्तान को अगर प्रायोरिटाइज़ करेगी वो बेवकूफ होगी या वो उनको सियासत की समझ नहीं होगी जहां पे इतना जीरो इंसेंटिव हो छ आठ सीटें मैक्सिमम पॉलिटिकल रिटर्न है और आधे पाकिस्तान को आपने डेवलप करना है इससे बेहतर नहीं है कि गुजरावाला को करें फैसलाबाद को करें Uh, मुल्तान को करें मुल्तान अकेले की सीटें बलूचिस्तान से ज्यादा है और अगर ये जो रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट है एथनिक उनको फैक्टर इन करे बस के सीनारियो आठ सीटें हो सकती है तो वो तो फिर गुजराव वाला फैसलाबाद ज्यादा आपको रिटर्न दे सकता है पच्चीस किलोमीटर के रेडियस का शहर है बलुचिस्तान का वन टेंथ रिसोर्स लगेगा उसको डेवलप करने में सो so, मैं बिलीव करता हूँ कि ये सबसे बड़ा रीजन है और जब तक ये सिस्टम रहेगा उसके मैं चंद मिसाल देता हूँ और ये सप्लीमेंट हुआ है बाय द तो पावर स्ट्रक्चर्स में पार्लियामेंट uh, uh, में अच्छा यही हाल पावर स्ट्रक्चर्स मिलिट्री में सिविल ब्यूरोक्रेसी में कंप्लीट यानी सिस्टेमिक नॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बलोच पीपल अच्छा फिर मीडिया में आप अभी जरा इधर बैठ के मुझे दिखाएं मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बलोच जर्नलिस्ट दिखाएं काउंट मी वन बलोच जर्नलिस्ट इन द एंटायर मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे वो बोल हो एआरवाई वाई से लेके पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम पे जाए जियो तक सो so, जहाँ पे इतनी सिस्टमिक एक्सक्लूजन हो एक पर्टिकुलर ग्रुप की स्टेट स्ट्रक्चर्स, फ्रॉम पावर स्ट्रक्चर्स, फ्रॉम मीडिया सिविल सोसाइटी वहां पे इनका निगलेक्ट होना इसके लिए किसी बुरे नियत की जरूरत ही नहीं है अच्छे बुरे नियत इनरेलीवेंट हो जाते हैं ये होना ही होना है और उसका नतीजा क्या है

बिस मैंने अक्सर मैं उसमें बोलता हूँ लिखता हूँ यानी गुरबत का वाद प्रोग्राम है तारीफें कर रही है बलोचिस्तान बदकिस्मती से गुरबत में तो हम पहले नंबर पे हैं पिछले पंद्रह साल के जितने पॉवर्टी के एस्टिमेट्स है, है पाकिस्तान के उसके मुताबिक ऑफ बलोचिट ऑफ पाकिस्तान पोर पॉपुलेशन बिस्प में हमारा शेयर हमारी आबादी के शेर से भी कम रहा है चार परसेंट तीन परसेंट विच इज आउटरेजियस अच्छा इसी तरह लोन्स एग्रीकल्चर लोन्स जो स्टेट बैंक देती है सब्सिडीज आप ये सारे निकाल ले, इन इनमें लोन्स कुछ ऐसे है कि जिनका अपटेक यहाँ पे वन परसेंट से भी कम है अच्छा ऐसा नहीं है कि लोग लोन नहीं चाहते क्योंकि वो जो क्रेडिट और कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट्स है वो इतनी मुश्किल रखी है अच्छा कामयाब जवान प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम आप उठा लें वो वन या टू परसेंट से बलोचिस्तान ऊपर नहीं है उसकी वजह यह है मैं जो समझाता रहता हूं या मेरा जो आर्गूमेंट है कि भाई ये अच्छे बुरे ब्यूरोक्रेट या मिनिस्टर की नीयत की बात नहीं है ये सिस्टम इतनी सिस्टमिक एक्सक्लूजन है कि अगर इसके थ्रू आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही होगा तो मेरे ख्याल में तो ये फेडरल डिजाइन जो है इसका नतीजा ये है इसके बहुत सारे और मैं आपको मिसाल आखिरी मिसाल देख के फिर मैं मैं आपको दोबारा आपकी तरफ आता हूँ इलेक्शन कैंपेन जब होता है जनरल इलेक्शन के जो आपकी मेन स्ट्रीम पार्टीज है अगेन द सो कॉल्ड कंट्री वाइड पार्टीज दैट एस्पायर टू कम इन टू पावर एट द फेडरल लेवल वो अपनी सेकेंड ईयर लीडरशिप भी नहीं थर्ड ईयर लीडरशिप कोटा भेजती है वो भी कोयटा में कोई जैसा करके जाते हैं जबकि यही लोग नॉर्थ सेंट्रल पंजाब में इमरान खान साहब भी बैठे होते हैं मियाँ साहब तो है ही है बिलावल साहब भी चले जाते हैं एक महीने दो के लिए उधर अपनी हाजिरी लगाते हैं कराची सारे जाते हैं क्योंकि कराची भी एक बड़ी कॉन्स्टिटेंसी है अः केपी जाते हैं बलुचिस्तान में ये अपनी सेकेंड टीयर लीडरशिप को भी भेजना गवारा नहीं करते तो इसमें तो जब तक अच्छा यही दिस मेजोरिटेरियन फेडरल डिजाइन एक्सप्लेन वाई जुल्फकार अली भुट्टो से लेके शहबाज शरीफ तक आ, हर प्राइम मिनिस्टर या हर पार्टी जो फेडरल में इकतदार में आई है वेन दे बार्गेन विद मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट The first casualty of that bargain is the Balochistan policy. The jo one is the surrender, the concession that Balochistan should take. And the second one is the Afghan policy. You take the Afghan policy as well. Balochistan, you should take it. We don't leave you. You don't leave us Punjab or here. Don't leave Again, why does this happen? My understanding is that it's because of the majoritarian federal design. These parties know that Balochistan, the people of Balochistan cannot penalize us. कर भी ले तो क्या होगा पांच सीटें ने ना मिले कोई बात नहीं सो so, जब तक ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर रहेगा मैं समझता हूँ बलूचिस्तान का मसला कभी भी हल नहीं हो सकता एंड uh, मैं समझता हूँ रियासत को खुश होना चाहिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बलूचिस्तान ट्राइबल और रीजनल uh, लाइंस पे इतना डिवाइडेड है कि वो क्रिटिकल मैस अभी है नहीं बहुत छोटा है लेकिन अब जो अर्बनाइजेशन हो रही है सोशल मीडिया है

Uh, बड़ा शहर है उसकी मीडिया के अंदर असर रसूख है कराची के लोग अर्बनाइज हैव है सर लेकिन एक कराची वालों का भी यही गिला है पीपल्स पार्टी के साथ के उसका इंसेंटिव नहीं है कराची में इन्वेस्ट करने को क्योंकि उसको वहां से सीटें नहीं मिलती और अगर सीटें नहीं मिलेंगी तो व्हाट इज़ द इंसेंटिव फॉर मुराद अली शाह या बिलावल भुट्टो या जरदारी टू तो डिवॉल्व पावर टू तो कराची और डू समथिंग इफ एंड दे कम इन टू इस्लामाबाद फॉर कराची वो एक पैकेज अनाउंस कर देते हैं पी टी आई ने भी किया था लेकिन कोई फॉलो थ्रू नहीं होता क्योंकि उनको मालूम है पी टी आई एटलीस्ट रिलाय ऑन दोट एम क्यू एम का एरा जब था पी 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 या पी एम एल एम को मालूम था कि ये सीटें चली भी जाए तो मार्जिन पर इम्पैक्ट होगा ओवरऑल uh, हम किसी तरह जो है एम क्यू एम कोऑप्ट कर लेंगे कुछ लॉलीपॉप ऑफर करके और बात आगे बढ़ जाएगी पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दिया कुछ और दे दिया एंड आई थिंक ये का मसला इंस्टीट्यूशनली एट अच स्म लेवलबल्स बलोचि एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है इंसेंटिव ड्राइव पॉलिटिक्स और मैं यहां खुद जब फॉर एग्जाम्पल वाशिंगटन डी में बैठा हूँ तो यहाँ सालों साल से एक uh, डेकेट uh, से एक लड़ाई चल रही है फॉर स्टेटहुड और स्टेटहुड hmm. की लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि ये शहर चॉकलेट सिटी के नाम से मशहूर है क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग जो रहते थे और अभी भी रहते हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ब्लैक्स हैं और उनको वो पावर नहीं दिया गया इवन दो देर इज अ मेयर क्योंकि यूएस कांग्रेस ओवरसीज अ लॉर्ड ऑफ द पॉलिसी रिलेटेड टू वाशिंगटन डी और वो एक मसला रहा है कि जी आप हमें पावर दें लेकिन वो नहीं देना चाहते पर्टिकुलरली रिपब्लिकन बिकॉज उनको मालूम है कि वो अगर पावर दे देंगे स्टेटहुड दे देंगे तो सेनेट की दो सीटें जो है आ, वो देना पड़ेंगी और वो कभी वो जीत नहीं सकते तो इंसेंटिव नहीं है आ, देने का राइट अगर यहाँ रिपब्लिकन रहते होते तो कल कल नहीं परसों आ, ये बिल पास हो जाता तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच सियासत में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं खुद भी आपसे एग्री करता हूँ कि बात किसी की कॉम्पिटेंस या उसकी सोच नियत की नहीं होती बात इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स की होती है और अगर आपका रिवॉर्ड ही नहीं है इस्लामाबाद में बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करने का तो वा आई वुड यू यू आई एग्री है वो पागल ही होगा कोई जो करे क्योंकि वो सौ अरब रुपए अगर मुल्तान या गुजरा वाला या अठे में लगाए जाए तो उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है मुकाबले में अब एक बात जो हमेशा आती है आपने इस पर टच भी किया था आ, लेकिन मैं लोगों से सुनता हूँ मैं चाहूंगा आप उसको एक्सप्लेन करें कि हमें कहा जाता है कि सी गेम चेंजर है और ग्वादर में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई और आप सेकेंड ईयर लीडरशिप की बात कर रहे थे थर्ड ईयर की तो एटलीस्ट सेकेंड ईयर पिछले कई सालों में ग्वादर जाती है वहाँ स्टेडियम पे सेल्फी लेती है स्विमिंग पूल में एक तस्वीर लेती है देखें क्या जबरदस्त व्यू है और ग्वादर गेम चेंजर है तो सीपैक पे क्या लोकल परस्पेक्टिव है क्या उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ है और उससे रिलेटेड एक बात जब कोर पाकिस्तान पाकिस्तानियों से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं देखेंगे तो इंडिया और ईरान जो है वो चाहते नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंट हो क्योंकि अगर वो हो गया तो पाकिस्तान जो है बदल जाएगा और फिर वो उनको थ्रेटन करेगा तो इस पे आपका क्या है देखिए पहले मैं थोड़ा सीपे को अनपैक करता हूँ सीपेक में हो क्या रहा है बलोचिस्तान में सीपेक की जो अभी तक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में टोटल हुई है वो तकरीबन अराउंड ट्वेंटी सिक्स तो बिलियन यूएस डॉलर है मैंने तीन साल बलोचिस्तान का सीप पोर्टफोलियो लीड किया है तो मेरे पास जो डेटा है मैं उससे बता रहा हूँ इसमें तकरीबन सेवनटी uh, परसेंट जो इन्वेस्टमेंट है आपको पता है वो एनर्जी सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अच्छा ये जो सेवनटी परसेंट इन्वेस्टमेंट है इसका बलोचिस्तान को कोई फायदा नहीं है दो वजुहत है नंबर वन तकरीबन अगेन फोर्टी ऑफ बलोचिस्तान इज नॉट कनेक्टेड टू द नेशनल ग्रिड जो उनके पावर जो जनरेट होती है वो नेशनल ग्रिड में जाती है और सीपेक में अभी तक तकरीबन सात से साढ़े सात हज़ार मेगावाट एनर्जी ऐड हो चुकी है जो एनर्जी जनरेशन हमारी कैपेसिटी है तो वो आ, इस फोर्टी परसेंट में मकरान रीजन शामिल है गवादर इट शामिल है मतलब ये मज़ाक खेज बात है कि हम इतने बड़ी बातें कर रहे हैं गवादर ये बनेगा वो बनेगा और गवादर में अभी तक रियासत पाकिस्तान की बिजली नहीं है और नहीं क्या पहुंच भी नहीं सकती ट्रांसमिशन नेटवर्क ही नहीं है मकरान रीजन का तो गवादर में अभी तक बिजली नहीं पहुंच सकी है और ये जब अभी बलूचिस्तान में जाम कमाल साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने बहुत भागदौड़ की और अभी गवादर को मकरान रीजन को नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है लेकिन मेरे ख्याल से तो ये 2013-14 में जब ये सारा प्लान बन रहा था तो गवादर या मकरान रीजन की नेशनल ग्रिड से कनेक्टिविटी तो उस वक्त आ, एक इनिशियल अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स में से होना चाहिए था तो खैर अच्छा तो जो सिक्सटी परसेंट बलोचिस्तान से कनेक्टेड है उसको भी सीपेक का इतना खास फायदा नहीं है जो एनर्जी जनरेट हुई है वो इसलिए कि इस वक्त तकरीबन बलोचिस्तान का जो एवरेज पावर डिमांड है वो अराउंड अट्ठारह सौ से दो हजार मेगावाट तक है ये करंट डिमांड को मद्देनजर रखते हैं इसमें कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन या उसको हम फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं जो मौजूदा ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो 1300 से 1400 सौ मेगावाट से ज्यादा एडिशनल पावर बर्डन कैरी नहीं कर सकता ना ही इधर कोई स्टोरेज कैपेसिटी ऐसी तो मतलब है कि 40 परसेंट बलोचिस्तान चूंकि डिस्कनेक्टेड है उसको बिजली जा नहीं सकती जो 60 परसेंट बलोचिस्तान कनेक्टेड है उसको भी ये बिजली नहीं मिल सकती तो सीपेक का मेजर कंपोनेंट तो एक ये है अब आते हैं जो बाकी थर्टी उसमें मेनली uh, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट्स है uh, उसमें भी आउटसाइड uh, गवादर बलोचिस्तान में फंडेड यानी चाइनीज फंडेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है गवादर में इन्वेस्टमेंट्स हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है चाइनीज ने की है uh, वो जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कुछ सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान ने भी दोनों पे सोशल सेक्टर और स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे की है तो गवादर में मिसाल के तौर पर पोर्ट की अपग्रेडेशन पोर्ट की रोड कनेक्टिविटी और एक हॉस्पिटल बन रहा है एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट बन गया है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है ये इसमें दो तीन जो है वो ग्रांट्स है इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ने पानी की प्रोविजन के लिए दो तीन डैम्स बने और उनको फिर आप गवादर शहर से कनेक्ट किया गया है कि जिससे लोगों को पानी की प्रोविजन यकीनी बनाई जा सके ये मैंने क्विक ओवरव्यू दिया है अब मैं अगर एनालिटिकल साइड पे आऊं देखें जो सीपेक में के साथ प्रॉब्लम्स है मेरे ख्याल से दो तीन इश्यूज है जो हमें समझने चाहिए नंबर वन एज ए स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी जो मुझे बात समझ आती है वो ये है कि आप एक ऑन गोइंग इंसर्जेंसी या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कोई मेगा इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स कामयाबी से स्टार्ट और डिलीवर नहीं कर सकते इनिशिएटिव्स शुड भी बाय द दब्लिशमेंट ऑफ अ मिनिमम लेवल ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी और यूजुअली ये पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन फेज में इस तरह के इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए जाते हैं अब रियासत ने पहली जो गलती की एक ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बेशक वो लो स्केल है लेकिन आप उसको पॉलिटिकल रिकनसिलेशन पे जाने की बजाय पॉलिटिकल सेटलमेंट पे जाने की बजाय आप बुलडोज कर रहे हैं उस पर ऐसे इनिशियटिव जिसका पहला नतीजा ये इंक्रीज मिलिटराइजेशन क्योंकि जब आप फॉरेन लोग लाएंगे इंसर्जेंसी चल रही है आपको सिक्योरिटी देनी होगी आपको चेक पोस्ट बनाने होंगे आपको हर जगह मिलिट्री या लॉ इन्फोर्समेंट के वो चेक पोस्ट क्रिएट करने होंगे जिससे लोकल लोग एलिनिएट होंगे रेजेंटमेंट होगी जिससे इंसर्जेंट को फायदा मिलेगा मजीद लोग उनकी तरफ और, और, मैं इकोनॉमिक क्योंकि आप पॉलिटिकल इकोनॉमी के पॉलिटिक्स एंगल डिस्क्राइब कर रहे हैं मैं इकोनॉमिक एंगल डिस्क्राइब कर देता हूं कि ये सारे कॉस्ट बर्डन हैं प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि रिस्क प्रीमियम भी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा बल्कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा जिसकी वजह से जो ऑप्टिमल प्रॉफिट है उस इम्पैक्ट है इन इकोनॉमिक टर्म्स उस उस प्रोजेक्ट का

ये एक इनिवेटेबल इसका नतीजा होना था और दोनों साइड पे रियासत के साइड पे भी और इंसर्जेंट्स के साइड पे भी दूसरी जो एक गलती पाकिस्तान की अप्रोच में रही है पिछले 20 साल से जब से जनरल मुशरफ के दौर से गवादर की बात शुरू हुई है एक गलती कंसिस्टेंटली सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने की है कि इन्होंने प्रायोरिटाइज किया है इन्वेस्टमेंट इन द दिटिजिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल नीड्स ऑफ द पीपल इसका नतीजा आज ये कि पोर्ट डेवलप्ड है पीसी अच्छा खासा बना हुआ है बिजनेस सेंटर बहुत अच्छा बना हुआ है पोर्ट की रोड कनेक्टिविटी भी बन गई है लेकिन अगर लोगों के पास बिजली नहीं है पानी नहीं है आ, हर दो तीन महीने में कोई बड़े हाई प्रोफाइल विजिट विजिटर्स आते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट पार्लियामेंटेरियंस और लोगों के पास पीने का पानी नहीं तो वो जो कंट्रास्ट है आ, गवादर स्टेडियम में सेलिब्रिटीज आ रही हैं और उनके जबरदस्त जब, जो है ग्रीन ग्रास है गवादर स्टेडियम में लेकिन पड़ोस में जो है पानी नहीं है पीने का पानी नहीं है तो वो मेरे ख्याल से रियासत की और उसमें शायद अगेन इंटेंट की बात नहीं है एक तो जो बिल्ट इन रियासत का बायस है डेवलपमेंट uh, पॉलिसीज का इन फेवर ऑफ द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इट्स इजी टू डिलीवर इट्स विजिबल लेकिन जो सॉफ्ट साइड्स है पानी बिजली तालीम ये नहीं होते तो again, तो होते रफी गोइंग बैक टू योर पॉइंट अर्लियर के उसका इलेक्टोरल गेन भी नहीं है ना अब ग्वादर शाइनी है या स्टेडियम बन गया तो शायद कोर के अंदर उसका कोई वोटर इम्पैक्ट पड़े क्योंकि आप लाहौर जाएंगे और कहेंगे देखें हमने ग्वादर की तो है तकदीर बदल दी हाँ। और ये हमारी तस्वीर है आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं मैं तो कहूंगा ये फिर भी थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन एटलीस्ट रियासत को चाहिए था कि ग्वादर की जो कोर इकोनॉमी है हिस्टोरिकली वो मरीन लाइफ से जुड़ी हुई है सी फूड से जुड़ी हुई है आपके पड़ोस में गल्फ स्टेट्स हैं जहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सी फूड इम्पोर्ट होता है आप कम अज कम वहां अपने मछेरों को मॉडर्नाइज करके उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग करके उनको बेहतर शिप्स दे के वहाँ एक सी फूड सी फूड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ही अगर बना देते तो उससे लाइवलीहुड जुड़ जाती वहाँ आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ता इन्वेस्टमेंट भी आती और लोकल जो लोग हैं उनकी अगर बढ़ती जो पानी वगैरह के जो मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास एक पोटेंशियल था उनको सॉल्व करने का क्योंकि इनकम जनरेट हो रही है लेकिन आपने स्ट्रेटिजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की उसका जो रिटर्न है ऑन द लोकल कम्युनिटी इज नॉट गोइंग टू बी देर फॉर अ लॉन्ग टाइम और चूंकि आपने गवादर को भी इस्तेमाल किया एज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ अ ब्रॉडर पैकेज जिसमें आप पाकिस्तान प्रॉपर के मसाइल पे ज्यादा फोकस थे तो अगेन उसमें ये कि और वो ऐसा नहीं पाकिस्तान प्रॉपर में देखे बिजली पावर जनरेशन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑरेंज मेट्रो लाइन और इस तरह की चीजें मटियारी फैसलाबाद जो ट्रांसमिशन लाइन है सो सो उसमें इन एडिशन टू जिस तरह मैंने बताया कि मिलिटराइजेशन चेक पोस्ट इन इग्नोरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रेटिजिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द कॉस्ट ऑफ जो सॉफ्ट साइड है और लास्टली जो फिशरमैन कम्युनिटी जिसका आपने जिक्र किया उनको कोई मॉडर्नाइज करना या उसकी बजाय अभी ईस्ट बे एक्सप्रेस वे उन्नीस किलोमीटर का रोड है चार पांच साल से उस पर काम चल रहा था अभी मुकम्मल हुआ है उसकी जो लैंड एक्विजिशन की पेमेंट है वो तो रोड पे काम शुरू होने से पहले मिलना चाहिए था वो आधी पेमेंट अभी चार साल बाद रोड अभी तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है कोई छः महीने पहले हकूमत बलोचिस्तान और हमने बड़ी भागदौड़ की पार्लिमानी कमेटीज में और फिर वो उनको दिलवाया तो वो तो उसकी जब जहाँ पे हालात ये हो तो वहाँ पे लोगों का और इसको अब कंबाइन करें अगेन ये भी चीज़ मैं समझता हूँ पाकिस्तान प्रॉपर में लोगों को इसका अहसासियत का इधराक नहीं जो बॉर्डर की फेंसिंग हुई है पिछले चार पाँच साल में यहाँ पे यहाँ पे हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री तो है नहीं सर्विसेज सेक्टर कोई फिफ्टी परसेंट है और उसके अंदर जो होलसेल रिटेल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये तकरीबन दे अकाउंट फॉर हाफ ऑफ बलोचि इकोनॉमी वो सारे डिपेंडेंट है बॉर्डर ट्रेड पे अब आपने एकदम से हजारों सदियों पुराना तजारती रास्ते बंद कर दिए फेंस कर दिया और अब आप मुतबाद का कोई प्लान आपके पास नहीं था और और तो इधर कुछ था नहीं ये जो अभी तक लोग गुर्बत में सर्वाइव कर रहे थे वो थैंक्स टू दिस इनफॉर्मल अब जब आप इनफॉर्मल इकोनॉमी को इस तरह अब्रप्टली खत्म करें और कोई मुतबाद आपके पास ना हो तो ये वो सारी चीजें कंबाइन हुई और ये जो बॉर्डर वाली अनरेस्ट है ये आपको अगले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी सोशल अनरेस्ट इतनी ज्यादा हो गई है कि रोजगार नहीं है लोगों के पास पीने खाने के लिए कुछ नहीं है महंगाई बढ़ गई है और जो इनफॉर्मल सोर्स था वो भी आपने उनपे बंद कर दिया तो ये वो माहौल है जिसमें इसमें मैं सीपेक को आ, इस नजर से देखता हूँ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बलूचिस्तान और उसमें जो मेरी नजर में गलतियां या जो फ्लॉज है पाकिस्तान की अप्रोच में वो मेरे ख्याल से ये है अच्छा रफी जाते जाते आपने कहा कि रैपिडली अर्बनाइजिंग है यंग पॉपुलेशन है मैं एक फैक्ट आजकल लोगों को रिमाइंड कराता हूँ पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कि पाकिस्तान की मीडियम एज जो है वो तेईस या चौबीस साल है आ, मतलब इसका ये हुआ कि जो मेजोरिटी पाकिस्तानी है वो न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान पैदा ही नहीं हुआ था राइट वो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पैदा हुआ तो एक हमारा एक यंग सिटीजन भी है जो कि ग्लोबली कनेक्टेड है टिकटॉक पे है ट्विटर पे है फेसबुक पे है, वो दुनिया को आगे बढ़ता हुआ देख रही है अपने पड़ोस में लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रही है तो वो एक फ्रस्ट्रेशन भी हमें उससे लिंक करना जरूरी है कि लिटरली दे कैन वॉच दम सेल्स फॉलिंग बिहाइंड वर्ल्ड और वो एक एंग हो, होता है तो वो एक आपने अर्बे का कहा तो आने वाले दिनों में या सालों में ऑब्वियसली एक और इलेक्शन सीजन आने वाला है कि शॉर्ट टर्म में कोई फिक्स हैं इमीजिएटली जो कि एटलीस्ट सिग्नल कर सकें बलूचिस्तान को बिलखसूस बलूचिस्तान के शहरियों को जो जवान है नौजवान शहरीओं को कि जी रियासत जो है अपना तौर तरीका बदल बदल रही है और इसमें वक्त लगेगा लेकिन आप इंगेज करें। जी, मेरे में टर्म में, हो सकते हैं रिजॉल्व नहीं हो सकता मिटिगेटिंग मेजर्स क्या है देखिए सबसे पहले तो मिसिंग पर्सन इनफोर्स डिस का इशूज हल करना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल जो लोग गायब है उनको रिहा करना चाहिए

मिलिट्री uh, ऑपरेशन एलानिया गैर एलानिया जिधर शुरू है उनको हॉल्ट करें एफ सी की विदड्रॉल करें फेज विद्रॉल करें सर्टन सिटीज और एरिया बॉर्डर तक महदूद रखें सिटीज पुलिस और लेविस के हवाले करें हाई पावर्ड इससे ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती कि आपके पास एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें अक्रॉस द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम लोग बैठे हैं हाई पावर्ड उसको पोलिटिकल एक कमेटी बनाए उसको बाइख्तियार बनाए उसको मैंडेट दे बलोच इंसर्जेंट्स के साथ मुजाक्रत के लिए ये मैं समझता हूँ चार पांच वो शॉर्ट टर्म में क्विक चीजें हैं जिससे इस कमेटी को कोई सीरियस ले सकेगा जिससे कोई ब्रेक थ्रू की थेरेटिकल पॉसिबिलिटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी इससे शॉर्ट मेरे ख्याल से ये अपने आप को खुशफहमी में रखने वाली बात है और रियासत की जो कोशिश है कि इन रियलिटीज को समझे और सब्सटेंशियल कंसेशंस दे वो क्या कर रहे हैं कोशिश हैं कि फॉल्सली पॉजिटिव इमेज कंस्ट्रक्ट करें बलोचिस्तान की और इस्लामाबाद और कराची में बैठे लोगों को तसली दे कि सब अच्छा चल रहा है मेरे ख्याल से सब अच्छा नहीं चल रहा है ड्रास्टिक कोर्स करेक्शन की जरूरत है अगर ये नहीं होती आई एम वेरी अफ्रेड कि पंद्रह बीस साल में जब ये अर्बन एजुकेटेड क्लास की क्रिटिकल मैथ्स बनेगी आप देखे फिर इधर होता क्या जो आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की इसमें कोई बिल्कुल नो no वंडर कि इधर जो रेजिस्टेंस को लीड कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नौजवान और जितना उनका एक्सपोजर होता है उतनी उनकी इस बयानिए के साथ जो है वो अटैचमेंट या वो बढ़ जाती है और ये बात आ, मैं क्योंकि आजकल पाकिस्तान में पाकिस्तान प्रॉपर में भी एक केआटिक सिचुएशन है मैं उसको फॉलो कर रहा हूं तो ये एक तरह से नॉट डायरेक्टली लिंक्ड बट ये एंगर आपको पाकिस्तान में जिन्हें हम इंसाफियन आम अल्फाज में कह सकते हैं नौजवान इंसाफियन में यही एंगर आपको नजर आता है कि हम क्यों एक डायनेस्ट को बार बार इलेक्ट करें हम नहीं करना चाहते हम अब तब्दीली देखना चाहते हैं वो तब्दीली जैसे भी उसको वो इमरान खान हो कोई और हो उसमें कन्वे करते हैं लेकिन जो कोर एंगर है कोर इन पर्टिकुलर यंगर बाय दिस एक्सक्लूजन और वो जितने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं जितने ज्यादा उन्होंने जो है मिडिल क्लास एस्पिरेशंस होती हैं उतना ही वो एंगर बढ़ता जाता है क्योंकि द स्टेट इज नॉट स्ट्रक्चरली इंक्लूसिव और ये क्लिप्टोक्रेसी है और ये आप अगर पाकिस्तान कोर में अगर आप ये प्रॉब्लम्स आज देखना शुरू हो गए तो बलूचिस्तान या के पी के या सिंध के अंदरून रूरल इलाकों में तो एंगर और बढ़ेगा क्योंकि वहां तो अफलास और भी ज्यादा है एक्सक्लूजन और भी ज्यादा है अथॉरिटेरियनिज्म और भी ज्यादा है तो आई एग्री विथ यू कि जरूरी है कि स्टेट इंक्लूसिव हो स्टेटस um, को जो है वो फिगर um, आउट करे कि क्या उन्होंने uh, एक श्रिंकिंग पाए में से अपने आप, आपस में लड़ाई करनी है कि किसका कितना हिस्सा होगा या उस पाए को बढ़ा के इंक्लूसिवली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान की जो बहुत ज्यादा हैं उनको इंक्लूड करें स्पेशली पीपल इन बलूचिस्तान सॉरी एक चीज ऐड करूंगा बस आप खत्म कर रहे हैं मैं सिर्फ इसका एक बड़ा नुकसान अगेन जिसका इधराक नहीं हो रहा है तो ना वो ये है कि द वन थिंग इट हैज डन इज इसने पार्लियमानी सियासत की को सिवियरली डीलिजिटमाइज किया और ये याद रखें बलुचिस्तान को पाकिस्तान से ये जो मैं पाकिस्तान प्रॉपर में बैठे इनको अख्तर मेंगल डॉक्टर मालिक इन जैसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि एज फार्टेट कंसर्न ये आखिरी कड़ी है बलोचिस्तान की पाकिस्तान के साथ और जब ये इस तरह जिस अख्तर मेंगल पावर में है या एल है या डॉक्टर मालिक जब आए थे क्योंकि वो जो मिसिंग पर्सन इन इशू पे इन इनके पास कोई कुछ नहीं कर पाते उसका नतीजा सिर्फ ये नहीं कि अख्तर मेंगल पौप, की मुतासिर होती है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स गेस्ट से ये पूछता हूँ करें तो आपसे भी रेकमेंडेशन चाहूंगा कैन बी ऑन एनी टॉपिक फोकस ऑन बलूचिस्तान और कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स और एनीथिंग एल्स uh, जो आपने किताब पढ़ी और आप चाहेंगे कि लोग और पढ़ें उसको जी बहुत शुक्रिया मेरे पास तीन बल्कि चार किताबों की वो पढ़ी लिस्ट जो मैंने लिखी है आपके उससे पहले पहली मेरी आ, फेवरेट किताब जो है वो रेचेड ऑफ द अर्थ फनॉन की जो किताब है ये मेरी फेवरेट है मैं रिकमेंड करूंगा नौजवानों को जिन्होंने मेरे ख्याल से अक्सर लोगों ने पढ़ी होगी लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़े दूसरी मेरी फेवरेट किताब है ये पोलिटिकल थेरी से रिलेटेड है जस्टिस ये माइकल सेंडेल की है हारवर्ड में फिलोसोफर है बेहतरीन किताब है गलत सही क्या है किसका गलत किसका सही क्या पैमाना क्या एक अप्रोच टू टू जस्टिस और इसने पूरा जो पिछले तीन चार सदियों की जो अप्रोचेज है उनको एनालाइज uh, किया है बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स और ये माइकल सेंडेल की ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है हार्वर्ड की बड़ी मशहूर वो है. सो तो ये मेरी एक फेवरेट है मैं जरूर रिकमेंड करूंगा और ये बहुत सारी जो हमारी प्री कंसीव नोशन है गलत सही के उनको जरा चैलेंज करने में हेल्प करेगा तीसरी चूंकि मैं पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और उसमें इंटरेस्टेड होता हूँ तो एक पोलिटिकल uh, इस्लाम पे जहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं वन ऑफ माई फेवरेट इज अ बुक बाई दिस ब्रूकिंग स्कॉलर शादी हमिद इस्लामिक एक्सेप्शनलिज्म इस्लामिक एक्सेप्शनलिज्म मिडल ईस्ट में जो अरब स्प्रिंग से लेके और जो पॉलिटिकल इस्लाम Islam या इस्लामिस्ट

पढ़ना है बलोचिस्तान पे किताबें बहुत है काम की किताबें कम है या बिल्कुल रियासत के परस्पेक्टिव से रिटायर्ड साहिबान ने लिखी है एकेडेमिक काम नहीं है या फिर बलोच नेशनलिस्ट ने भी लिखी है लेकिन वो भी अक्सर कसीदे हैं एकेडमिक काम एक बहुत अच्छी किताब अभी आई है हिस्टोरिकल है और एक एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है नीना स्विडलर की किताब है कलोन, रिमोटली कलोनियल तो जो कलोनियल पॉलिसी थी बलूचिस्तान में उसके वो क्या थी उसके अभी तक अपलिकेशन क्या रहे हैं? ये चार किताबें मैं सुनने वालों को रिकमेंड करूंगा थैंक यू सो मच फॉर मलिक ने भीमेंड की थी, तो read, um, और जो जस्टिस के लेक्चर्स हैं अगर किसी ने किताब पढ़ने का टाइम नहीं है यूट्यूब पे पूरी क्लास मौजूद है uh, मैं लिंक भी नीचे, में डाल दूंगा इन सब चीजों का अगेन शुक्रिया बहुत बहुत रफिया आपने वक्त निकाला और कभी क्वेटा आना हुआ तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे और आप अगर कभी वाशिंगटन आए तो वुड लव टू होस्ट यू हियर एज वेल एंड लेट्स स्टे इन टच एंड थोड़े दिनों बाद इनशाला इलेक्शन के आसपास आपको फिर दावत देंगे कि आप आए और समझाएं कि इलेक्शन माहौल कैसा है बलूचिस्तान में बट तब तक अपना ख्याल रखिएगा uh, बहुत शुक्रिया उजेर रियल प्लेजर ज्वाइनिंग यू इनशाला विल स्टे इन टच